अरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तो तैयारी भी आपकी अच्छी चल ही रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंडल और वह मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो उनके बारे में यह जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो यह वीडियो काफ़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन वीडियो बनाना हमारा ज़रूरी था, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की फुल जानकारी, हमें अर्थात जीके की दृष्टि से यह वीडियो भी काफ़ी अहम हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, क्योंकि समय कम है, टाइम हमें ख़राब नहीं करना है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। आपको मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कुल जिले 75 हैं। यानी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। और यानी इनको संभाग के नाम से, यानी मंडलों को संभाग के नाम से भी हम जानते हैं। आप संभाग हम समझ नहीं पाते, संभाग हिंदी का वर्ड है, तो संभाग के नाम से भी हमको जाना जाता है। तो भारत में, यानी सॉरी उत्तर प्रदेश में आपके कुल 18 संभाग यानी मंडल स्थित हैं। और देखेंगे कि किस मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आगरा मंडल की। तो आगरा मंडल में आपके 4 जिले आते हैं, और 4 जिले हैं आपके आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद, जो है आगरा मंडल के अंतर्गत आपके आते हैं। इसी क्रम में नंबर 2 यानी अलीगढ़ मंडल। पहले अलीगढ़ यह जो है आगरा मंडल में आता था, बाद में इसको अलग मंडल बना दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अलीगढ़ मंडल में यानी अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज, इसमें भी केवल 4 जिले जो हैं अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में आगे बात करते हैं इलाहाबाद मंडल। इलाहाबाद मंडल में भी मेरे प्यारे दोस्तों 4 जिले आते हैं, यानी 4 जिलों को मिलाकर इलाहाबाद मंडल बनाया गया है। तो वह मंडल कौन कौन, वह जिले कौन कौन से हैं? तो इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। आगे बात करते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल में मेरे प्यारे दोस्तों केवल 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, बलिया और मेरे प्यारे दोस्तों मऊ। ठीक है, इसी क्रम में आगे बात करते हैं कि बरेली मंडल यानी बरेली मंडल। तो बरेली मंडल में 4 जिले आते हैं आपके मेरे प्यारे दोस्तों, बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर, जो है आगर कौन से मंडल की, यानी बरेली मंडल का निर्माण जो है 4 जिलों के माध्यम से होता है। इसी दृष्टि में आपके बात करेंगे बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में मेरे प्यारे दोस्तों मात्र 3 जिले आते हैं, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर जो है बस्ती मंडल में आते हैं। आगे बात करते हैं चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल में 4 जिले आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा, आदि है 4 क्षेत्र यानी 4 जिलों के मिलाकर के चित्रकूट मंडल बनाया गया है। आगे बात करते हैं यानी 8वां यानी देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल में भी केवल 4 जिले हैं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती जो है इस मंडल में शामिल हैं। आगे बात करते हैं आपका नवा। नवा फैजाबाद मंडल में मेरे प्यारे दोस्तों 5 जो है डिस्ट्रिक्ट को शामिल करके बनाया गया है। तो अंबेडकर नगर, बाराबांकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी। आगे बात करते हैं यानी 10वां मंडल आपका गोरखपुर मंडल है। तो इसमें जो है 4 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? तो देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज, यह 4 जिलों को मिलाकर के मंडल बनाया गया है। आगे बात करते हैं आपका 11वां मंडल हो जाएगा झांसी मंडल। झांसी मंडल में केवल 3 जिलों को शामिल किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, झांसी, जालौन और ललितपुर। आगे बात करते हैं 12 यानी कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में 6 जिलों को मिलाकर के बनाया गया है, औरैया, इटावा, कानपुर, कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर नगर को मिलाकर के कानपुर मंडल बनाया गया है। इसी क्रम में आगे बात करते हैं
13वां मंडल लखनऊ मंडल में मेरे प्यारे दोस्तों 6 जिलों को जोड़कर बनाया गया है। तो हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। अब आ जाता है काफी इम्पोर्टेंट मेरठ मंडल, क्योंकि यहाँ से कृषि की शुरुआत हुई थी, यानी कृषि। तो बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ को मिलाकर के मेरठ मंडल का निर्माण होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका 15वां मंडल। 15वां मंडल यानी मिर्जापुर मंडल है मेरे प्यारे दोस्तों, और यह मंडल केवल 3 जिलों को मिलाकर के बनाया गया है। तो इसमें कौन कौन से मंडल हैं? नंबर 1 मिर्जापुर, नंबर 2 संत रवि नगर, तीसरा है सोनभद्र। आगे बात करते हैं मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, यह 5 जिले हैं जिनको मिलाकर के मुरादाबाद मंडल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुजफ्फरनगर जो है किस मंडल में के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुजफ्फरनगर मंडल जो है, मुजफ्फरनगर जो है जिला आपका, किसके अंतर्गत आता है? तो सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता है। तो इसमें मात्र 3 जिलों को मिलाकर के बनाया गया है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली को जोड़ के आपका सहारनपुर मंडल का निर्माण किया गया है। आगे बात करते हैं यानी 18वां और ये 17वां, वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल में मेरे प्यारे दोस्तों 4 जिलों को मिलाकर के बनाया गया है। तो वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर को जोड़ करके इसका निर्माण किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर दो, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे कि वीडियो हमारी आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों इस तरीके की वीडियो मैं लाता रहूँगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हमारी वीडियो कितनी हेल्पफुल आपको है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, और कोशिश करेंगे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा GK लाने की, क्योंकि आप, हमारा उद्देश्य है आपके नंबर ज़्यादा आने चाहिए, ठीक है दोस्तों? क्योंकि हमारे माँ बापू का सपना है और हमें यह पूरा करना है, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।